5G लॉन्च आपके शहर में कब तक आ जाएगी 5G सर्विस जान लीजिए। देश भर में कुछ दिन पहले 5G की लॉन्चिंग पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दी है। इस नई सेवा को कंपनियां जल्द ही पूरे देश में शुरू करने की प्लानिंग में जुटी हुई हैं। भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC में लॉन्च की गई 5G सर्विस आने से इंटरनेट की दुनिया में पूरी तरह बदल जाएगी। हालांकि इस सुविधा को पूरे देश में लागू होने से थोड़ा वक्त लगेगा। लागू होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इसके व्यापक फायदे को देखते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा आबादी तक पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। शुरू में देश के चुनिंदा 13 शहरों में इस सेवा का शुरू किया जाएगा। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर शामिल है। आप भी जान लीजिए कि आपके शहर में कब तक लॉन्च हो जाएगी 5G सर्विस। हालांकि जियो, एयरटेल और VI अक्टूबर के अंत तक इन 13 शहरों में 5G लॉन्चिंग की तैयारी कर चुकी है, लेकिन जहां तक बात पूरे देश में इसे लॉन्च करने की है तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि देश के सभी शहरों और गांव तक इस सेवा को पहुंचने में महीनों लग सकते हैं। देश भर में 5G लागू होने न केवल आपके इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, बल्कि आप 3 घंटे तक की फिल्म को सेकंडों में डाउनलोड कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सबसे 13 शहरों में चरणबद्ध तरीके से 5G सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में 5G सर्विस लागू हो सकती है। जियो इस साल दिवाली को 5G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी में है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बताया कि देश के करीब 200 शहरों में अगले 6 महीने के अंदर 5G सर्विस लॉन्च कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि देश के 80-90% हिस्से में अगले 2 साल के अंदर 5G सर्विस उपलब्ध करा दी जाएगी। जियो ने आधिकारिक तौर पर 5G लॉन्च करने की तारीख दिवाली बताई है, यानी अक्टूबर के अंत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों के लोग जियो की 5G सेवा का लाभ लेना शुरू कर सकते हैं। जियो में दावा किया है कि अगले 1.5 साल में पूरे देश में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है।